लोग सेलिब्रिटी के दीवाने होते हैं, सेलिब्रिटी जैसा दिखना चाहते हैं, जो वो करते हैं वैसा करना चाहते हैं, सेलिब्रिटी की तरह बनना चाहते हैं। सेलिब्रिटी जो भी कहता है आंख बंद करके उस बात पर विश्वास कर देते हैं। इसीलिए तो सेलिब्रिटीज को विज्ञापन फिल्मों में लिया जाता है ताकि पब्लिक सेलिब्रिटी की बात पर विश्वास कर दे। एक गंजा सेलिब्रिटी विग लगाकर विज्ञापन में आकर कहता है कि इस तेल का इस्तेमाल करिए तो आपके बाल घने हो जाएंगे, आपके बाल आ जाएंगे। पब्लिक जानती है कि वो गंजा है, विग लगाएंगे, लेकिन फिर भी उस सेलिब्रिटी पर विश्वास करती है क्योंकि पब्लिक सेलिब्रिटी को अपना आदर्श मानती है। लेकिन अभी पिछले दिनों एक सेलिब्रिटी पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, उसे बुरी तरह ट्रोल कर दिया। मैं जिस एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ उसका नाम है परिणीति चोपड़ा। हुआ यूँ कि परिणीति चोपड़ा ने कोविड वैक्सीन ली तो उनका हाथ दर्द देने लगा, तो परिणीति चोपड़ा ने एक अपना सोशल मीडिया पे फोटो शेयर किया कि मैंने कोविड वैक्सीन ले ली है और मेरा हाथ दर्द है। बस इस पोस्ट को देखते ही, इस तस्वीर को देखते ही हिंदुस्तानी आवाम का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि परिणीति चोपड़ा ने कोविड वैक्सीन इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि विदेश में दी, लंदन में जाकर दी। बस यही बात लोगों को बुरी लगती है। लोगों ने कहा क्या आपको इंडिया की वैक्सीन पर भरोसा नहीं था? कुछ लोगों ने ये कहा कि हम तो आपको फॉलो करते हैं, आप जैसा करती हम भी वैसा करना चाहते हैं, लेकिन आप इंडियन वैक्सीन पर भरोसा ही नहीं कर रही तो हम क्या करें। किसी ने ये कहा कि आप पैदा हिंदुस्तान में, नाम आपने हिंदुस्तान में कमाया, पैसा आपने हिंदुस्तान में कमाया, लेकिन आपको हिंदुस्तान पर भरोसा नहीं है, आप चली गई कोविड वैक्सीन लेने विदेश क्यों? लोगों का कहना है कि आपने विदेश में जाकर जो कोविड वैक्सीन ली है तो इससे क्या संदेश मिला? गलत संदेश मिला, लोगों का ये कहना है। अगर आप हिंदुस्तानी वैक्सीन का इंजेक्शन लेती तो हमारा भी हौसला बढ़ता, लेकिन आपने तो गलत मैसेज दे दिया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो परिणीति चोपड़ा के बारे में इस वक्त हो रही है। इस वक्त परिणीति चोपड़ा इंडिया में नहीं है, विदेश में है। अब आएंगी, क्या जवाब देंगी, क्या होगा आगे देखेंगे। लेकिन एक बात है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि परिणीति चोपड़ा को हिंदुस्तानी वैक्सीन लेनी चाहिए थी या विदेश में जाकर वैक्सीन लेनी चाहिए थी? जो भी आपको लगता है उन्होंने सही किया या गलत किया, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिएगा क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर कोई इसी तरह की बात लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।